बरखा दत्त। बरखा दत्त बीजेपी की सबसे बड़ी आलोचक है। मी बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट मेस्ड अप बैडली ऑन इट्स हैंडलिंग ऑफ जेएनयू। हाउ शॉकिंग इज इट दैट इन उत्तर प्रदेश द मीट इन दादरी इन अ क्लर्क्स फ्रिज was sent for testing to see whether it is beef or it is beef it is what sort of become where the meat is more important than the manslaughter. Inka Congress pyar chak jahir hai. Congress raj mein ye Padma Shri se nawazi ja chuki hai. Surat mein Barkha ek bazaar mein khadi thi anjar ke andar. Unhone news highlight kiya ki Hanuman ji ka mandir toda. Kaha bhai tum kya kar rahe ho, tumhe malum hai Kutch mein hai hamara border district hai aur wahan par ek mandir tootna ye tum khabar paida kar de kya hoga. और तुमने इंक्वायरी की है क्या? क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज तो 30 मिनट सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है। पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं। क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फोन कर बरखा को मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये जा वो बोलना नहीं चाहिए, ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है। मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं छोटा सा खड़ा करते हैं उस पर किसी ने जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था नुकसान थोड़ा मामूली सा जिसको इतनी बड़ी आग लगी होता वैसे चीज उछालने से क्या होता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अमृता राय। अमृता राय ने अपना करियर BAG फिल्म एंड मीडिया से शुरू किया। 2014 में कांग्रेस के टॉप लीडर दिग्विजय सिंह से शादी के बाद से एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चला रही है। आखिर क्यों पैदा हो गया है बरसों साथ साथ रहने वालों के बीच अविश्वास की जान लेने पर उतारू हो गए हैं, एक दूसरे को बेघर बेजार करने पर आमादा हैं। अविश्वास खौफ और बेबसी से भरी जनता का दर्द क्यों नहीं दूर कर पा रही है सरकार। कुमार केतकर कांग्रेस के सपोर्ट में लिखते हैं। And how Congress will benefit by polarizing the public? No, sir. The line has always been Narendra Modi has come to power. The BJP has come to power. They are out to get you. That has been the mess. Been the message to the minorities. No, that. RSS और BJP से जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं। That BJP, despite coming to power and in power for last 3 years, continues to suffer acute inferiority complex vis-à-vis Congress. Why do you say and their Congress Mukt Bharat idea is only because of their inferiority complex. निधि राजदान की एंटी मोदी मेंटेलिटी किसी से छिपी नहीं है। कभी वो बीजेपी प्रवक्ता को शो से निकाल देती हैं। तो कभी बीजेपी प्रवक्ता खुद ही शो छोड़ देते हैं। जिसने जो कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कटारे जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? देश हो या विदेश, मोदी की बुराई कभी नहीं छोड़ती। इट कम्स टू डीलिंग विद मिस्टर मोदी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दोज हु विल लुक एट हिज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड एंड ब्रिंग दैट अप? एंड इट सीम्स दैट यू हैव एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लुक्ड एट दोज एलिगेशंस, आई बिलीव ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस, and has always absolved Narendra Modi completely from those allegations. उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। My name is Nidhi Razdan. I work with a TV channel called NDTV. Oh, you shouldn't. No, you don't get a chance to ask a question. Oh, hold on. Sit down. No. रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रवीश कुमार NDTV के नामचीन जर्नलिस्ट हैं। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? कांग्रेस से इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। विपक्ष को खोजने वाले देख सकते हैं कि नेताओं की कोई कमी तो नहीं है। असल बात यह है कि आज का मीडिया विपक्ष विरोधी मीडिया है। विपक्ष को जगह कम देता है, फिर सवाल भी करता है कि विपक्ष है कहाँ। संयोग यह है कि जिस दिन विपक्ष के इतने नेता दिल्ली आए, उसी दिन प्रधानमंत्री दिल्ली से दूर चले गए। इनके सगे भाई बिहार कांग्रेस के उप अध्यक्ष हैं। अपनी बाजू पर चोट के निशान दिखा रही नाबालिग दलित लड़की के आरोपों ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है।
लड़की ने कांग्रेस नेता ब्रजेश कुमार पांडे यौन शोषण का आरोप लगाने के अलावा सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर इल्जाम लगाया है। रैकेट में नाम आने के बाद कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे को प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सॉरी उप अध्यक्ष थे, इनकी मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है, इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को बताइए। मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी का कोई अखबार मुझसे नहीं छापता। मोदी को बुरा भला कहना इनका इकलौता काम है। आजकल डेमोक्रेटर है तो डेमोक्रेटर आ गया है एक नया, तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता कि हमने इसको चुना।